लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के दौरान अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं जो कई बार सालों तक लोग भूल नहीं पाते। इंदिरा गांधी का टॉर्च की रोशनी में जनसभा को संबोधित करना हो, या पत्थरबाजी में नाक टूटने के बाद भी रैली में पहुंचना हो, या फिर किसी राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक के भाषण के दौरान मंच टूटने की घटना हो, लोग वर्षों तक इन चीजों को याद रखते हैं। ऐसी ही कुछ घटनाएं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि पंडित नेहरू अव्यवस्था या कोई दिया हुआ काम पूरा नहीं होने पर गुस्सा हो जाते थे। कई बार वो बेवजह हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को तो कभी कुछ नेताओं को डांट देते थे। उनकी फटकार से जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी है जिसकी आज भी चर्चा होती है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ये दिलचस्प किस्सा आजाद भारत में हुए पहले लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। दरअसल पंडित नेहरू लोकसभा चुनाव 1952 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में खागा के पक्के तालाब में पहुंचे थे। चुनावी जनसभा का इंतजाम जिस पक्का तालाब में किया गया था उसके मैदान में इमली के कई बड़े बड़े और काफी पुराने पेड़ थे। इमली के इन पेड़ों पर हमेशा बड़े बड़े चमगादड़ लटके रहते थे। जनसभा के दिन भी जब मैदान में भारी भीड़ जमा हुई तो चमगादड़ असहज हो गए और तेज तेज आवाजें निकालकर इधर उधर उड़ने लगे। कुछ नेताओं ने चमगादड़ों के शोर के बीच ही अपना अपना भाषण दिया और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अब भाषण देने की बारी पंडित नेहरू की थी। पंडित नेहरू जैसे ही भाषण देने के लिए माइक पर आए तो अचानक चमगादड़ों ने पहले से भी ज्यादा शोर करना शुरू कर दिया। पंडित नेहरू भाइयों बहनों कहने के बाद कुछ देर के लिए रुक गए। दरअसल चमगादड़ों का शोर काफी तेज हो गया। भाषण में रुकावट के कारण पंडित नेहरू का पारा और भी चढ़ गया। गुस्साए पंडित नेहरू ने पेड़ों की तरफ हाथ जोड़कर जोर से कहा, प्लीज कीप साइलेंस, मैं बहुत दूर से अपनी बात कहने आया हूँ। पहले मैं अपनी बात कह लूँ, फिर आप अपनी बातें कह लीजिएगा। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की इस बात पर जहाँ आम लोगों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, वहीं मंच पर बैठे सभी कांग्रेस नेता सकपका गए कि पंडित जी ये क्या कर रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि जाने क्या हुआ कि पंडित नेहरू के फटकारने के बाद चमगादड़ों का शोर कुछ देर के लिए पूरी तरह से थम गया। फिर चमगादड़ों के खामोश होने के बाद पंडित नेहरू ने जनता के सामने अपनी बात रखी और अपना पूरा भाषण दिया। पूरे इलाके में ये बात आग की तरह फैल गई कि पंडित जी तो पेड़ पौधे और चमगादड़ों से भी बात कर लेते हैं। बहरहाल आपका इस किस्से पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।